आपका स्वागत है डिंडीगल में, जहां पर तीन चीजें मशहूर है। पहली, ये जबरदस्त धूप जो आपको पिघला देगी जब आप यहां पर आएंगे। दूसरा, ये फेमस डिंडीगल रॉक जिसके ऊपर है डिंडीगल फोर्ट, जिसे बनाया था मुथु कृष्णप्पा नायकर ने 1605 में। मैं यही कहना चाहता था। और पता है, तीसरी, डिंडीगल की मशहूर बिरयानी, और ये कहां मिलती है और कैसे पाई जाती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। डिंडीगल नंबर वन प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, बिरयानी। पहली मजेदार चीज हमने करी कि हमने डिसाइड किया कि हम डिंडीगुल आएंगे। दूसरी मजेदार चीज हमने करी कि हमने डिसाइड किया कि डिंडीगुल में आने से पहले अपने दोस्त आशुतोष को फोन करेंगे जो डिंडीगुल में काम करते हैं। तीसरी मजेदार चीज हमको पता चली कि आशुतोष जी जो हैं वो अभी CEO हैं डिंडीगुल तलापाकट्टी के। डिंडीगुल ठीक बोल रहे हो? डिंडीगल एंड तलापाकट्टी ठीक बोल रहे हो? तलापाकट्टी इज फाइन। तो डिंडीगल तलापाकट्टी रेस्टोरेंट के CEO आशुतोष हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं सवाई माधोपुर से, और लैंड अप हो गए डिंडीगल में। वो कहानी पता करते हैं, लेकिन ये जो वेलकम आपने देखा है ये इसीलिए था क्योंकि हम इनको जानते हैं और ये जानते थे कि हम आ रहे हैं। राइट मयूर? हे मयूर कुछ बोलना है? अब हमसे बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है, हम आपसे बात करते हैं। देखिए, हम 15 साल से काम कर रहे हैं, हजारों रेस्टोरेंट हमने कवर किए हैं सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, लेकिन जो रिसेप्शन हमारे को यहाँ पे मिला ना डिंडीगल तलापाकट्टी में, अब आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आप रेस्टोरेंटर हैं तो हम जब भी आएंगे ना हमारे को ऐसा रिसेप्शन चाहिए, नहीं तो हम बिल नहीं भरेंगे। यस, माइट बी अ लिटिल हार्ड टू अकम्प्लिश। तो देखिए, रिसेप्शन तो जैसा था के था, खाना बहुत खूबसूरत है, लेकिन खाने के साथ साथ यहाँ की जो कहानी है डिंडीगल तलापाकट्टी की, वो भी एक बहुत खूबसूरत कहानी है। तो ये स्टोरी हमें बताइए, शुरू कैसे हुआ ये? ये शुरू हुआ, एक प्लेस है मनीकुंडू, यहीं पास में 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, वहाँ पे शुरू हुआ 1957 में, जब मिस्टर नागास्वामी नायडू अपनी वाइफ की रेसिपी की बिरयानी बेचते थे। राइट, वेयर इट स्टार्टेड। तो उनका तो नाम मिस्टर नायडू था, तो ये थलपकट्टी, डिंडीगल थलपकट्टी नाम कहाँ से आया? डिंडीगल तो दिस इज वेयर वी आर, यहाँ पे हम हैं। थलापाकट्टी इज बेसिकली दिस टर्म, व्हाट यू आर वेयरिंग, व्हाट आई एम वेयरिंग। अच्छा, एंड वी यूज्ड टू सेल बिरयानी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिंडीगल तलापाकट्टी। अच्छा, तो इफ वी टेक अ लुक एट दिस, तो इन्होंने ये टर्बन पहनी हुई है। यस, नॉट द सेम बट अनदर टर्बन। यस, सो बिकॉज़ वो टर्बन पहनते थे इसलिए नाम तलापाकट्टी। यस, अभी मयूर तलापाकट्टी, दिस इज वेरी गुड तलापाकट्टी। अब तेरे को आईडिया आ रहा है क्यों होता है? तो ये जगह मेरे को याद है, जब पहली बार यहाँ पे आए थे तो चर्च के साथ में बिल्कुल एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर स्पेशल्स बाहर लिखे हुए हैं, बिल्कुल रोड के ऊपर, और मतलब जस्ट अ होल इन द वॉल। यस, तो वो दुकान अभी भी चालू है? यस, फ्रॉम 60 इयर्स वी आर रनिंग इट। अच्छा, इट्स स्टिल रनिंग, अप एंड रनिंग, वी आर मेंटेनिंग इट। It's not very sophisticated, right? But we are ensuring customers are being served from that location. I think वो तो soul है आपकी पूरे operation का। That's close to our heart. Right. एक restaurant में बहुत कुछ मायने रखता है, important होता है, लेकिन सबसे important चीज़ हमारे लिए ये है कि taste खाने का एकदम brilliant हो, और ये taste is brilliant. मजा सा आ गया, मजा सा। Sir, what is the secret of your success? Secret is authenticity और passion. ये दोनों है। I'm so passionate. I'm vegetarian, not from this place. But despite we go on ground, I've even gone for buying mutton. We are so picky about what we buy in terms of ingredients and all. We grind our masala ourselves. We don't buy ready-made masalas. The recipe is system-driven, remained same since last 60 years. That's what is ensuring same product delivery at entire 85 years, 85 restaurants. तो आपको raw materials भी सारे समझ आते हैं, आपको spices भी सारे समझ आते हैं, आपको recipes भी सारी समझ आती हैं। तो तिजोरी तोड़ के रेसिपीज उठाने की जरूरत ही नहीं, आपको ही ले चलते हैं। नो, आई एम शॉक्ड। सो आई थिंक द रेसिपीज जो है वो एक बिल्कुल, दे आर द हार्ट ऑफ द ऑपरेशन। यस, दीस आर क्लोज टू वेरी हार्ट, सोल ऑफ द ऑपरेशन। और ये जो स्पाइसेस हैं आपकी सारी, दीस आर द सोल, या उसको टर्न करना चाहेंगे आप, यही ठीक है। बीइंग अ वेजिटेरियन नॉर्थ इंडियन, आई एम रनिंग दिस साउथ इंडियन नॉन वेजिटेरियन
प्लस कैजुअल डाइनिंग चेन. वाओ, मतलब आपको सब नॉन वेजिटेरियन जो मीट एंड सी फूड डिशेज है सबके नाम भी मालूम है, सब पता है और कैसी बनती है वो भी मालूम है. यस, तो चलिए बताइए फिर फटाफट व्हील पॉइंट और आप डिश का नाम बताइए. यहाँ से शुरू करते हैं इससे. दिस इज मशरूम मसाला. वाह. दिस इज स्वीट पोंगल. दिस इज वेज कोत्तू पराठा. वाह. दिस इज मशरूम पेपर फ्राई. वाह. दिस इज बेबी कॉर्न मशरूम. दिस इज कोला. दिस इज मटन सूप. फैंटास्टिक. तो जैसे आप देख रहे हैं आशुतोष को ऑलमोस्ट सारे नाम याद है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. तो हाउ डिड दिस हैपन नाउ स्टार्टिंग विद वन ब्रांच, इतनी सारी ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट डू यू थिंक इज द सीक्रेट? ये क्यों ऐसा हो सकता? व्हाई डिड दिस ब्रांड बिकम्स जस्ट ब्लो अप लाइक दिस? सो बिफोर दैट, राइट, आई थिंक वी आर एक्चुअली अनक्लेम्ड लार्जेस्ट बिरयानी ब्रांड ऑफ इंडिया. वाह. वी आर नॉट क्लेमिंग इट बट सीम्स लाइक. हाउ इट why it happened, I think everything remains on account of one point. If you can maintain authenticity and right. uniqueness of the product, once you eat this biryani rice, you'll be able to appreciate why this is differentiated. So we, the promoter family, the family over three generations have ensured that the same thing is being prepared from the same process. My God, these recipes are just absolutely incredible. Yes. मेरा तो एक ये बहुत फेवरेट है, ये कहने के लिए तो पनीर पकौड़ा है, बट यहाँ पे इसका नाम होता है कुछ मोरू मोरू पनीर. मोरू मोरू पनीर. एंड ये देखिए अंदर मसाला है इसका. ओ हो फ्रेश पनीर दो पीस सैंडविच बना के उसके ऊपर बैटर से फ्राई करके और अंदर सारे स्पाइसेस. जो मैं चीज रेकमेंड करूँगा आपको वो है गन फायर चिकन. बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गन के शेप, काली मिर्ची का बहुत ज़्यादा बाइट इसके अंदर और ये ग्रीन चिलीज खूब सारी इसके साथ बड़ी बड़ी. तो ये जो ग्रीन चिलीज हैं ये देखिए साइज ये दे रही है इसको एक अलग फायर, पेपर इसको अलग जगह खींच रही है और इसके अंदर जो नेचुरल स्पाइसेस हैं उनका भी अपना बर्न है. तो ट्रिपल बर्न गन फायर चिकन वेरी स्पेशल. या लेकिन फर्क ये है कि इस वाली लड़ाई में आदमी और गन फायर में आदमी जीतेगा. गन फायर इज गोइंग डाउन. बिल्कुल. और बिरयानी ऑफकोर्स बिल्कुल स्पेशल. यही वो चीज़ है जो जहाँ से डिंडिगल तलपकट्टी का फाउंडेशन बना था, जहाँ से सब कहानी शुरू हुई थी. और बिल्कुल एक यूनिक बिरयानी. अगेन पेपर का इसके अंदर इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है. बट आई कैन टेल यू दिस ऑलरेडी, ये सब देखते हैं कि यहाँ पे जो रियल पावर है चीज़ का वो है मिर्गु. अगर आपको मिर्गु नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ. पेपर चाहे ये जो आपने जो जो वेज कुस्का है, ये मशरूम पेपर फ्राई है, ये मिलागू मशरूम है, सब में जो बर्न है पेपर का, बट इट्स अ नाइस फ्रेश थिंग. वो पता लग रहा है कि मतलब अभी उसको कूट के आपने ये सब किया है. yes. तो आप ये वेजिटेरियन जो है जब आप यहाँ पे आएंगे ये तीन डिशेस तो आप पक्का ट्राई करिए. हम लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे टेस्ट बेस्ट हो. डिंडिगल तलपकट्टी आपको जहाँ भी मिले मौका मत छोड़िएगा. अंदर जाइए, सब कुछ ट्राई कीजिए. गन फायर चिकन खा के मुझे थैंक यू बोलिएगा आप. अच्छा पायसम. सॉरी मैं थोड़ा गुम गया था. ये डेट पाम शुगर का पायसम बना इसका. पाम शुगर का करी पुट्टू पायसम. सर देखिए एक तो आपसे मिलने हैं ऐसी चीजें मत बोलिए सर. आप क्या कर रहे हैं सर? क्लोजिंग में आपको सिर्फ ये मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप आएंगे डिंडिगल थलपकट्टी इनके कोई भी जो 85 लोकेशन में ये जो है जो पायस है आप ओपनिंग उसके साथ करिए. क्लोजिंग आपको जिसी चीज के साथ करनी है तो आप क्लोजिंग करिए क्योंकि मैंने ओपनिंग शुरू कर दी. देखिए खाना जहाँ पर टेस्ट बेस्ट होता है वहाँ पर खाना बेस्ट होता है और इस खाने का टेस्ट एब्सोल्युटली यूनिक, वेरी टिपिकल टू डिंडिगल टू दिस रीजन. और एक पावर हाउस कुजीन है इस रीजन की. स्पाइसेस इनमें एक महक है वो तमिलनाडु की डिंडिगल की जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी. And we have had a lovely meal. Thank you so much, Ashutosh. Thank you very much for coming. Real pleasure meeting you. Same here. After a very long time. Yeah. It's been long time. I met you last time in Sawai Madhopur. पता नहीं कितने साल पहले. और ऐसा welcome अगली बार आएंगे तो मिलेगा ना पक्का. I'll always. I'll call you every month for this. Done.